Hey! नमस्ते सर, मेरा नाम कुटी है और मैं गीता का फ्रेंड हूँ। एक फ्रेंड होने के नाते तो मैं हमेशा उसका भलाई चाहूंगा। गीता आपके बेटे को चाहती है और मैं उसे ले जाने आया हूँ। देखो, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। चलो उठो, जाओ। सर अभी बहुत बिजी हैं, बाद में फोन करना, बाय। देखो, अभी तुम बच्चे हो, तुम मुझे जानते नहीं। यहाँ कोई हंगामा मत करना, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। अंकल ने बोला ना कार्यक्रम मत गड़बड़ना है भाईजे। हाँ अंकल, आप फंक्शन कंटिन्यू करो, मैं अर्जुन को ले जा रहा हूँ। बॉस, तुम्हारे पापा के आदमी यहाँ पे कभी भी आ जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। जल्दी फैसला कर लो, क्या करना है और कैसे करना है। Thank you.
कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। एक औरत ने चाटा मारा और तू देखता रह गया। शादी का मुहूर्त निकल जाने से पहले मेरा बेटा यहाँ आ जाना चाहिए। उन दोनों को मार डाल और अर्जुन को यहाँ ले आ। ये एक लव स्टोरी है, टिपिकल नहीं कहूंगा। ये सारे नौजवान SYS कॉलेज में पढ़ते हैं। SYS कॉलेज जिसके ट्रस्टी अर्जुन के पिता हैं। भैया जब बाप कॉलेज के ट्रस्टी हो तो कॉलेज तो खुद ब खुद बेटे की जागीर बन ही जाती है। वैसे ये जब चाहे जिसे चाहे उठा ले, मार ले, इसे कोई कुछ नहीं बोलता। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया फिर तो भगवान ही बचाया उसको। इसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, ये यही सब करने आता है कॉलेज में। कॉलेज में आता है, हाजरी लगाता है और चल देता है। गीता एक सीधी सादी इंडियन लड़की है जो घर से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल जाती है। कॉलेज के सारे रोमियो उसके पीछे लट्टू हैं और उन लट्टुओं में से एक लट्टू है हमारा अर्जुन, जो मारा मारी में तो एक्सपर्ट है ही, लेकिन स्पोर्ट्स में भी कम नहीं है। खूबसूरत लड़कियों का शिकार करना इसकी बाई आंख का खेल है और यकीन मान यहाँ भी ये यही करने वाला है। देखिए क्या पर्सनालिटी है। सुन, वो लड़की कौन है? नाम गीता पर है एकदम सीता। गर्ल्स हॉस्टल में बेचारी अपने दोस्तों के साथ रहती है। हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, यही इसकी जिंदगी है। बेचारी कॉलेज के काफी लड़के ट्राई कर चुके हैं पर किसी की दाल नहीं गली भाई। इसे फंसाना हलवा पूरी खाने जैसा नहीं है। मतलब तू भी ट्राई करके देख लेना एक बार, हो सकता है फ्लैट हो जाए। ए, जा पॉल को। अबे वो तो टकरा गया। किताबों ने जमीन को चूमा ना। हाँ भाई सही बोला। अब अर्जुन उससे माफी मांगेगा। सॉरी। अब दोनों किताबों का लेन देन करेंगे। सही कहा। अब वो जा रहा है। अरे वो कहीं नहीं जाएगा। दो कदम चलने के बाद वो शक्ति कपूर की तरह हवस वाली नजरों से पलट कर देखेगा। यार तू जैसा बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अबे उस थरकी का स्टाइल मैं बचपन से जानता हूँ। अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, गलती हो गई, माफ कर दे इसे प्लीज अर्जुन। ए, शांत हो जा तू, बैठ। जानता है ना वो कौन है? MP हर्षवर्धन का बेटा है वो। उसके फादर कॉलेज के ट्रस्टी हैं। एक्सक्यूज मी, तुमने उन्हें मारा क्यों? उन लोगों ने मुझे छेड़ा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई? तुम हो कौन? आखिर मेरे मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? कल तुम मुझसे टकराए थे और आज तुमने मेरे लिए उनसे झगड़ा किया। कल हो सकता है तुम मुझे चाय पे इनवाइट करो। इस तरह की चीप हरकतों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। करेक्ट, कल हम कॉफी शॉप में चाय पीने मिलेंगे, आ जाना। हेलो, 9 o'clock। व्हाट? शालीमार में। एक्सक्यूज मी। तुम कल रात रेस्टोरेंट में क्यों नहीं? तुम मेरे लगते कौन हो? आई लव यू। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुम्हें भी मुझे चाहना होगा। 24 घंटे में मुझे हाँ का जवाब चाहिए, नहीं तो कॉलेज के टेरेस से कूद जाऊंगा। आ,
तुझे क्या लगता है वो जान दे देगा? हाँ हाँ बिल्कुल दे देगा। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो किसी की बात नहीं सुनता। वो कमिटमेंट कर ले तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। वैसे भी तो सजनबी के ख्यालों में खोई रहती है जिसने तेरी पायल की खातिर पानी में कूद कर जान दे दी। अगर अर्जुन भी टेरेस से कूद गया तो तू जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। मेरी बात मान, दिमाग पर बोझ मत डाल। सिर्फ आई लव यू तो बोलना है, बोलकर खत्म कर डालना यार। कोई तो रास्ता होगा ना। इसे कहते हैं गले पड़ना। भला ये कोई प्यार हुआ? ओके मित्र, शाम में मिलते हैं। आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर लेना। दस वाला देना। ये दोस्त, मेरा दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, दो उंगली में फिट होने वाला, इतने छोटे नाम वाला मेरा कौन सा दोस्त है? याद नहीं। ओ अच्छा, समझ गई कुट्टी।
तो कब मिलना है? दोपहर के बाद, शाम को। ओके बाय। इस बार कंपटीशन काफी टफ है, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। कैसा है अर्जुन, मैंने सुना तू दिल्ली जा रहा है, कहे तो एयरपोर्ट छोड़ दूं? इट्स ओके बाय। हैप्पी जर्नी दोस्त। हेलो, हे नहीं यार, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी निकल ही रहा हूँ। पार्टी? तुझे हमेशा पार्टी चाहिए होती। ओके कूल, हाँ वापस आकर मिलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आई लव यू। ए पुरी, आई लव यू। मेरे सामने तुम आई लव यू बोल के क्या? रुक रुक साला, वापस आ। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मतलब मैं सामने खड़ा था, ये क्या भूल क्यों लिया उसे? मैं क्या है? क्या हुआ अर्जुन, गया नहीं? टिकट कंफर्म नहीं हुई क्या? वो लड़का आया और मेरे सामने गीता को आई लव यू बोल के गया। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए अभी के अभी। अरे रुक, मेरे पास तेरा जाना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं सुना, चाहिए अभी लेके आ जा। अरे जाते वक्त टेंशन नहीं लेते, हम संभाल लेंगे, तू जाना यार। हम लोग है ना यार, तू जा, चल निकल। साला ये नया आशिक कहाँ से पैदा हो गया? घूर गया टकले, जा कुछ काम कर, मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए, जाना। आई लव यू बोल के भूलते। कितना खूबसूरत है। वाह,
अबे तुम लोग उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। वाह मस्त है ना यार, क्या लड़की है। इसके घर रिश्ता भेजना पड़ेगा। हाँ लेकिन मेरा रिश्ता भेजना? यार ऐसी लड़की के लिए तो मैं पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। सुनो, इसके लिए जान की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, बस पानी में कूदो और पायल ले आओ। क्या हुआ, फिर वही पायल वाला सपना? क्या यार, बार बार तुझे एक ही सपना आता रहता है ना। तेरी पायल निकालने के खातिर एक अजनबी मर गया, पता नहीं बेचारा कौन था। वैसे तू उसे जानती है क्या, या फिर तूने उसे कूदने के लिए कह दिया था? चल अब जाने दे, वो तो पानी में कूदकर एक बार भीगा, पर तू तो सपना देखकर रोज रोज पसीने से भीग जाती है। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से टेंशन लेगी ना, तो कॉलेज वाले तेरा टेंशन बढ़ा देंगे। श्रुति? हाँ आ रही हूँ। चल अब उठ जा, मैंने अंडे का भरता बनाकर रख दिया है, नाश्ता करके जल्दी से तैयार होकर कॉलेज आ जाना, समझी? आई लव यू सचिन। गीता लेट मत होना, पहला लेक्चर अबुल सर का है। तो चलो मैं कप ले आई, निशाना लगाओ। अगर तीन में से एक भी पत्थर कप में गिरा तो मेरा प्यार कामयाब होगा, वरना ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं, फिर से। जरा सा चूक गया, कोई बात नहीं, फिर से लास्ट ट्राई। आज मैं मंदिर नहीं गेला ना, इसलिए कब बेचारा बुरा मान गया। अब कब बुरा भी मानता है? जब उसने आई लव यू बोला तब अर्जुन वहां था? हाँ था, मैं खुद हैरान थी। सच कहूं तो मैं डर गई थी। शायद वो तुम्हारे अफेयर के बारे में नहीं जानता। नहीं जानता? सारा कॉलेज जानता है। अच्छा, वो दिखने में कैसा है, स्मार्ट है क्या? उसे मेरा पर्सनल नंबर दे दे, तूने रिजेक्ट किया है तो मैं तो सिलेक्ट कर लूं। बकवास मत कर श्रुति, भाड़ में जाए वो लड़का, उसकी खैरियत इसी में है कि वो दोबारा मेरे सामने ना आए। हाय, आ गया मैं। हाय, ओह माय गॉड, आई लव यू। तुम्हें क्या मार खाना है? नहीं तो तुम्हारे पास आना है। देखो तुम जानती हो ना कल मेरे साथ कौन? जानता हूँ, अर्जुन। तुम उसे चाहती हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ, सो सिंपल। अच्छा तो तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? देखो गीता, तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता? हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, करेक्ट? एकदम करेक्ट। मुझमें ऐसा क्या देखा तुमने? देखने जैसा कुछ नहीं, बट आई लाइक यू। दिलाला गधीवर तर परी का ही चीज है। लेकिन मैं ही क्यों? सही बताऊं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी मुझसे प्यार करो। जस्ट फील माय लव। तुम मुझसे प्यार करोगी तो हमारी शादी हो जाएगी और हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। अपनी हद में रहो, तुम में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखकर मुझे प्यार हो जाए, समझे तुम? आइंदा मेरे सामने मत आना। क्या? आई हेट यू। ये कुट्टी भैया अब तक आए क्यों नहीं?
लगता है वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, जानते हो क्यों बच्चा लोग? क्योंकि गीता मुझसे मिली थी। लेकिन तुम मुझे काय बोलती? बैठ जाओ बच्चा, अरे बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। जल्दी बताओ ना। ओके। मैं गीता से मिला। आप गीता से मिले? और उसने मुझसे कहा? उसने आपसे क्या कहा? I hate you. ओहो, इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं करती। जानता हूँ, भले ही उसने प्यार की नजर से नहीं देखा, पर उसके दिल में मेरे लिए नफरत तो है, है? पता है, किसी के दिल में बसना, चाहे वो नफरत से ही क्यों ना हो, ये कोई मामूली काम तो नहीं है ना? चलो यहाँ से, फ्लॉप से कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान है आरजू गीतांजलि, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुमने धीरे धीरे मेरे दिल में 10x12 का घर बना लिया है। ए, 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 पहली बार मिली तो रोज दिया, रोज रोज मिलोगी तो रोज दूंगा। मुझे देख, तुम मेरे प्यार का बुझा हुआ पटाखा हो। इधर ला। तुम्हें देख कर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें डिनर कराऊं और उसके बाद काला खट्टा आइसक्रीम खिलाऊं। ला मुझे दे, मैं तुम्हें मिलके तुम्हें अपना प्यार फील करवाना चाहता हूँ। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तुम्हारे लिए जान देने वाला जाने जिगर कुट्टी। ओके ओके, गीता सीरियस हो रही है, तुम लोग भी सीरियस हो जाओ। टुमारो मॉर्निंग कुट्टी को वार्निंग। ओके ओके। ए, खुद को हीरो समझता है? क्या लगा गीता की सारी फ्रेंड्स मर गई है क्या? अच्छी लड़की देखी नहीं कि लेटर लिखना शुरू। ऐसे लेटर से लड़की नहीं पढ़ती। मैंने पत्र गीता को दिया था, पर तू का वासलस। एक तरफा प्यार से बात बनेगी क्या? तुमने उससे प्यार क्यों किया? देखो श्रुति, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं प्यार करके बदले में तुमसे प्यार मांगूंगा तो लोग उसे व्यापार कहेंगे, प्यार नहीं। मंडरा भरी है। अगर मुझे तुम्हारा प्यार नापना हो तो एक मिनट, प्यार कोई लंबाई नहीं जिसे तुम इंची टेप से नापना चाहती हो। तुम्हारे भेजे में घुसा भरा है, सिट डाउन। नेक्स्ट मुलगी। तुम्हें प्यार हुआ है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम इसे अपने पास ही क्यों नहीं रखते? शो ऑफ क्यों करते हो? जरा फिर से पूछना। तुम सबको बताते फिर रहे हो कि गीता को प्यार करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, तो तुम इस फीलिंग को अपने अंदर ही क्यों नहीं रखते हो? सबको बताते क्यों फिरते हो? तुम्हें बताऊं, गीता के लिए मेरा प्यार अंदर समा नहीं रहा था, मेरे प्यार का घड़ा भर गया था, इसलिए ओवरफ्लो हो गया। माहिती है प्यार किस चिड़िया सा नाव है? अगर उसके पर काट दो तो भी वो उड़ सकती है। जब तुम जानते हो अर्जुन गीता से प्यार करता है, फिर भी तुम गीता से प्यार क्यों करते हो? हुँ? एक मिनट थम्बा, तुम्हें शाहरुख खान पसंद है? अपनी जान से भी ज्यादा। तुम्हें पसंद है? हाँ पसंद है। सॉरी, उसे ये पसंद करती है, तुम नहीं कर सकती। अरे ताली बजाओ, आभारी आभारी। एक मिनट, तू कधी कोणाशे लव केलेस? तो तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं। बस महिला मंडल, और कोई सवाल? नो। तो मुलगियों, दिल से नफरत का चूल्हा बुझाओ और प्यार की मोमबत्ती जलाओ, तो कल से मोमबत्ती ढूंढना शुरू। अब मित्र श्रुति, ये पत्र तुम्हारे लिए। अरे ले लो ना, बाय। श्रुति देखना क्या लिखा है, जल्दी पढ़ना। मेरी प्यारी श्रुति, जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे दिल से नफरत करता हूँ। नफरत का असली मतलब क्या होता है ये मैंने तुम्हें देख के ही सीखा। तुम जब जब मुझे नहीं दिखती तब तब मेरा दिन अच्छा जाता है। वैसे आज शाम को गलती से भी मॉल में मत आना प्लीज, तुमसे सच्ची नफरत करने वाला कुट्टी। इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity of a raw good or service demanded to changes in its price. The formula for the coefficient of price plasticity of demand for a good is E subscript P is equal to DQ by Q
by DP by P. Okay, students, turn to chapter 24. The detailed illustrations will help you to understand the concept better. And the remaining chapter, Gita, leave the class. क्या हुआ, हकाल दिया क्या? सुकून मिल गया, अब क्या चाहिए? मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि मेरा प्यार जरा सा भी फील हुआ? नहीं हुआ। इतना सा भी नहीं? नो। लगता है तुम्हारे दिल पर डांबर का लेप चढ़ा है। अरे इतने में तो दो से तीन हो जाते हैं। देखो तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ ना, तुम्हें देख के मेरा मन करता है। पप्पी क्या ऐसा मन करता? तुम्हारा कत्ल करने का मन करता है। अरे कॉकरोच, देखा झूठ मूठ के कॉकरोच से तुम्हारे अंदर डर का बल्ब जल उठा। तो मैडम, मेरे सच्चे प्यार से तुम्हारी ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही है? मेरे लिए तुम और कॉकरोच दोनों ही बराबर हैं। आई हेट यू। इसका मतलब ये कॉकरोच तुम्हें पसंद नहीं है? जरा भी नहीं। तुम तो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे ये कॉकरोच तुम्हारी चादर में ही घुस गया। आई हेट यू बट आई लव यू। का लेक्चर मतलब टॉर्चर, भज गए यार। इस बार तो तू पास हो जाएगी ना? हो जाऊंगी, अगर तू अपना पेपर देखने देगी तो। कोशिश करूंगी, फिर तो मैं पक्का पास हो जाऊंगी। श्रुति, प्रफुल्ल सर तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने अब तक नोट सबमिट नहीं किए हैं ना? जल्दी जाके सबमिट कर। यार मैं तो भूल ही गई थी, 5 मिनट दे, मैं बस अभी आई। हाय, कैसा क्या बड़ा है ना? दो कप कॉफी। कॉफी? अरे कहाँ जा रही हो? घबराने की जरूरत नहीं है, कॉफी का बिल मैं ही पे करूंगा, तुम्हें तो बस बैठ के फ्री में पीनी है। कॉफी पीते पीते मुझसे नफरत कर सकती हो, और अगर मुझसे प्यार हो गया है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। गीता को डिस्टर्ब मत करो, वो मुझसे नफरत कर रही है। तुम कंटिन्यू करो। तुम्हें हंसी आई? नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम हंसी थी, मैंने देखा था। हाँ हंसी थी, मेरी मर्जी। तो क्या हुआ? तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? हे, तुम फिर शुरू हो गए। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ पर रुक गई। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नफरत करती हो, तो नफरत तो ढंग से करो ना, हंसने की क्या जरूरत थी? सुनो, कॉफी के पैसे भर देना, मैं चलता हूँ, ओके? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे परेशान किए जा रहे हो? कहाँ फंस गई मैं? दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली? कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी से भी प्यार कर लेते, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? मैं जबरदस्ती प्यार क्यों करूं? अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? दिमाग तो ठीक है। एक मिनट, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता, तो तुम्हें प्रॉब्लम है? जहन्नुम में जाओ। हेलो, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, मैंने सबसे पूछ लिया, नो रिस्पॉन्स। गीता, तुम्हें मेरे प्यार को फील करना ही पड़ेगा। सपोज अगर तुम्हें गलती से भी फील हो गया तो मैं रात को तुम्हारे सपने में आऊंगा। गीता, गीता, thank you.
हाय हाय क्या नाम बताया था? कुट्टी। कुट्टी न्यू एडमिशन है, अनाथ लड़का है, अशोक नगर में कुछ अनाथ बच्चों के साथ रहता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। हाँ अर्जुन, कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी दीवानी है। वो पंच मारता तो पाइप से पानी निकलता है। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। अबे स्ट्रांग है तो अपने को क्या लेना देना। साला एक बात समझ में नहीं आती, उसमें इतनी ताकत आखिर आई कहां से? हाँ यार, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है वो सुबह शाम दोनों वक्त जिम जाता होगा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखता होगा, नहीं तो ऐसी बॉडी कैसी बनती। लगता है रात को दूध में बादाम डाल के पीता होगा। सोच रहा हूं उसे जाकर पूछूं तेरी सेहत का राज क्या है। ए उसकी तारीफ बंद कर, ऐसा लग रहा है तू अर्जुन का नहीं उसका दोस्त है। हमें अलर्ट रहना होगा अर्जुन, वो नहा धोके गीता के पीछे पड़ा है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ कर देगा। क्या बॉस, कहाँ गायब हो गए थे? कॉलेज छोड़ दिया क्या? आखिरी बार गीता के साथ देखा था मैंने तुम्हें। मैंने बोला था ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे कान में क्या घुस रहा है, जाके उसकी टीम में नाम लिखा ले। ए! मैं अर्जुन हूँ, मेरा नाम सुन के तुझे डर नहीं लगा? नया आया है ना? पढ़ाई करने आया है ना, तो अपना ध्यान किताबों में लगा। गीता की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो फोड़ डालूंगा। बॉस बॉस, वन मिनट, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे छोटा सा डाउट है। सच में गीता से प्यार करते हो? अरे मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, रुक तू। ए, ये गीता से दिलो जान से प्यार करता है, और हम अर्जुन से प्यार करते हैं, इसलिए तेरी हड्डी पसली तोड़ने आए हैं। ओके, गीता भी तुमसे प्यार करती है? ए, रुक 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 रुक, मैं समझाता हूँ। अबे कैसे बेकार के सवाल पूछ रहा है। मंगलवार को कॉलेज में गीता ने 12 बजे कहा था, अर्जुन आई लव यू, जब ये टेरेस पे चढ़ा था। तूने नहीं सुना था, तू वहाँ नहीं था। कहाँ गया था? अपने परदादा के घर। ठीक है, कोई बात नहीं, झगड़ा खत्म, भाई लोग घर जाओ। ए, कहाँ जा रहे हो? रुको, झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू होने वाला है, आ जाओ चलो। बस बहुत हुआ, अब तू मेरे दिमाग की ज्यादा हटा मत। गीता को अपने दिल से निकाल दे, वरना कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, उसी तरह तुम्हें भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है। मेरा प्यार मेरे लिए है, मैं जिसे चाहूं प्यार कर सकता हूं। वैसे तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? मेरे जीतने का डर है? अपने प्यार पे भरोसा नहीं है क्या?
इतना कमजोर प्यार है तुम्हारा, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो। ठीक है, मैं गीता को छोड़ दूंगा, तुम बस इतना कह दो कि तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है। ए, अर्जुन को अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। ठीक है बॉस, कूल। अगर तुम्हारा प्यार स्ट्रांग है तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारे प्यार के बीच आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर कमजोर हुआ तो मैं क्या, ये सब उसके बीच आ जाएंगे। बॉस, तुम ऐसे प्यार को प्यार कैसे कह सकते हो जो सच्चा प्यार है ही नहीं। क्या बोलता है ना? और ये क्या बॉस, लकड़ियां किस लिए? खेलने के लिए। देखो भाई, अगर मुझे मारने के बारे में सोचा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा प्यार कमजोर है, प्यार में सच्चाई है ही नहीं। मैं कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। बार बार किसको धमकी दे रहा है, कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा, कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। ए, ये बोलना बंद कर, तू कहीं नहीं जाएगा। ए, हम लोग जाएंगे। ए, अबे क्या बोल रहा है तू, टेंशन मत ले, भरोसा नहीं है अपने बड़े भाई पे। ए, मेरी बात ध्यान से सुन, तू भी यहीं रहेगा, हम भी कॉलेज छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन को अपने प्यार पे पूरा विश्वास है। ओके, तो मैं यहाँ जो कुछ भी करूंगा उससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे मारने की कोशिश की। हमें मरे हुए को मारने की आदत नहीं है। ए, हमारा भी स्टेटस है, मार्केट में बहुत इज्जत है, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुझे अर्जुन का स्टैंडर्ड मालूम नहीं, थर्ड ईयर बीकॉम में पढ़ता है ये, और ये सेकंड ईयर बीकॉम में, और मैं तेरे साथ पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता। चल यहाँ से, चल। अरे चल ना यार, चल। आ, तू चल। अर्जुन, अब क्या है, लाइब्रेरी जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तू कौन होता पूछने वाला? घबरा, गीता से कहना मैं शाम को उसे मिलने आऊंगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्या अर्जुन को अपने प्यार पे पहले से ज्यादा विश्वास है। चल चल, हवा आने दे जा। The above formula usually yields a negative value due to the inverse nature of the relationship Hello. between price and quantity demanded, as described by the law of demand. Now, for example, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। Price increases by 5%. Hey, Krishna. And quantity demanded. Krishna. President. Then the elasticity at the initial price and quantity is minus 5%. Hey. गीता की तबीयत खराब है। श्रुति का फोन था। चल, हम लोग उससे मिलकर आते हैं। चल, इसी बहाने से तो छुटकारा मिलेगा। Hey, अंकल, हम लोग जा रहे हैं। वापिस आएंगे ना, समझा देना ठीक से, ठीक है? तुम लोग यही रुको, मैं जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, फट से जा, झट से आ। ठीक है, चल टकले, गाना सुना, टाइम पास कर। अरे बॉस, मेरा बस चले तो साले के ऊपर खुजली वाले खटमल छोड़ दूं। बॉस बॉस बॉस, न्यूज मिली ना, गीता की तबीयत ठीक नहीं है, चलो उससे मिल के आते हैं। क्या बॉस, प्यार पर नो विश्वास? नीचे उतार दे, नीचे पटक साले को। Hi, beautiful. क्यों बॉस, गीता के लिए फलाहार ले रहे हो? नहीं बॉस, प्यार में फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती। ओहो, फ्रूट्स दिए बिना गीता प्यार को समझेगी भी नहीं ना? क्या करे बॉस, जब प्यार किया है तो जेब थोड़ी ढीली करनी ही पड़ेगी। अरे भाई, एक किलो सेब पैक कर दो। नहीं नहीं, रहने दो। बॉयफ्रेंड चिंगू सा है। ए गीता, तेरे दोनों लवर्स मिलने आए हैं। हाय गीत, हाय। ये क्या, पूरी सूख गई हो? देखो, दोनों आंखें अंदर पीछे गई हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्लास में मत आना, प्रोफेसर जो कुछ भी सिखाएंगे वो मैं यहाँ आके तुम्हें सिखा दूंगा। बीपी लो हो गया और तुम ऐसे खड़ी हो? हाँ, बैठो। अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग की। आए बड़े लवर्स, दोनों खुद को लवर्स कहते हो और अपनी बीमार गर्लफ्रेंड के लिए फ्रूट्स लाना भूल गए, खाली हाथ चले आए। मैं कैसे भूल सकता हूँ श्रुति? टैबलेट्स एक दोपहर में, एक रात में। टॉनिक दिन में 3 बार, ओके?
कंपटीशन बॉस, कंपटीशन। तो तूने मुझसे चीटिंग की। इसमें चीटिंग की क्या बात है बॉस, बच्चा भी जानता है कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। अब तुमने फ्रूट्स नहीं खरीदे तो मैं क्या करूं, तुम्हारा तो बजट भी नहीं था ना। अब दुआ करो कि अगली बार ये जल्दी बीमार पड़े। कम ऑन गर्ल्स, हम लोग बाहर कबड्डी खेलते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। हे फुकनी, फ्रूट्स बाथरूम में मत छुपा देना, जूस निचोड़ के गीता को पिलाना, समझे? आया बड़ा। मिल गई कलेजे को ठंडक, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शुरू में ही उसे रोक दिया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। तो उसके साथ कैंटीन में हॉट कॉफी पी, हंस हंस के बातें भी की, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो मुझे पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? रोज मेरा कचरा करता है, मेरी बेइज्जती करता है, मुझे जलील करता है, क्या जरूरत थी उससे दोस्ती करने की? देखो आज के बाद तुम उससे बात नहीं करोगी, वरना कॉलेज का टेरेस तो खुला ही है। रेडी। नीता, इस बार गेम सीरियस है हा? अगर तीन में से एक भी पत्थर कप में गिरा ना, दरमाजा प्रेम खड़ा है। कुत्ते रुको रुको, एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। हिलना नहीं। आई बला कटाल तू, जंतर मंतर आबरा कडाबरा गिली गिली छू 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 छू, हा हा हा, थू 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 थू। कुटी रुको। ओके, गेम को थोड़ा चेंज करते हैं। नई गेम के नए रूल के हिसाब से अगर तुमने पत्थर कप के बाहर गिराया तो तुम्हारा प्यार सक्सेसफुल। अरे तेरी बात में तो दम है। हाँ। ये कप पे गिर गया कप। इस बार अंदर गया, कैसे हो गया? घूर घूर के क्यों देख रहा है? देख, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे क्या पता। कुट्टी मत, कुट्टी मारना मत, मारना मत कुट्टी। अच्छा मैं, टाइम प्लीज, इसमें मेरी क्या गलती है? अंदर गिराना होता है तो बाहर गिरता है, बाहर गिराना होता है तो अंदर गिरता है, क्या गड़बड़े यार। नीता, प्यार भी बिन बादल बरसात जैसा है, जब जरूरत नहीं होती तो बरसता है, जब जरूरत है तो मुंह ही नहीं दिखाता। लेकिन कब तो मैंने हटाया था ना, तो मार ले मुझे। छोड़ना, चल कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। पहले कुछ खाएंगे। पैदाइशी भुक्कड़ तू भी खाना ना। स्टॉप। ए बिना बाल के टकले, अर्जुन की गैर हाजिरी में तुम लोगों का बॉस मैं हूँ। हाय हाय। मैं सुन के जावा। ए उजड़ी हुई खेती, उसे घूर मत, वो जान मेरी है और भाभी तेरी है। पॉल को बुला। कितना करंट है तुम्हारे अंदर, हटाया खाते आते बच गया। तुम्हें ये रिश्ता पक्का समझ? शर्मा गई भारतीय नारी, पलट चुरा के। अरे पट गई। चश्मा लगाना पड़ेगा।
है कहीं के? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? छोटे मोटे कॉलेजेस में ऐसी बड़ी बड़ी बेइज्जतियां होती रहती हैं क्या? आज गीता का बर्थडे है, प्लीज दोस्तों उसे विश करना मत भूलना। आपका प्यारा दोस्त। अरे यार, 2.25 घंटे से हम खड़े हैं, मोमबत्ती खत्म हो जाएगी। पता नहीं अर्जुन कब आएगा। जल्दी कर वरना मेरा खाने का मन चला जाएगा। इतना वेट करेगी तो तेरा अगला बर्थडे भी आ जाएगा, चल ना जल्दी कर। ए, तू केक काट रही है या फिर मैं तुझे काटूं? हाँ? अरे लाइट को क्या, क्या, क्या हो गया? लाइट किसने ऑफ की? अचानक से कैसे चली गई? अरे जाकर देखो, चेक करो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर Happy birthday! Wow! Superb है ना? क्या आइडिया है? Superb! Wow! देखो, अच्छा है ना? केक काटो, काटो ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। केक काटो ना, अब तो काटो। क्या अर्जुन, कल बर्थडे पार्टी अकेले अकेले एंजॉय किया? मारो सारे टकले को। शांत हो जा, लगा लगा। क्या रे गंजे, अकल नहीं है तेरे को? ए, क्या हुआ इसे? अर्जुन को बकरी ने डस दिया। कल मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। अच्छा, कौन सा मेरे आने से तुमने अपना बर्थडे एंजॉय नहीं किया? जिसको आना था वो तो आ गया था ना गिफ्ट लेके, तुम्हारा चाहने वाला। मेरा चाहने वाला? ओ, तुम्हारा कहने का मतलब कुट्टी? अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। देखो ये रहा उसका गिफ्ट। कुछ समझा अर्जुन, आने वाले टाइम में तेरी फोटो की जगह उसकी फोटो होगी। ये पूल दो माली हजम नहीं हो रहा है। ये कुट्टी तेरे कॉलर का सपोला है, ये तुझे छोड़ेगा नहीं अर्जुन, एक दिन जरूर तेरी गर्दन पे डसेगा। इसकी उम्मीद नहीं थी ना, तो अब बताओ वो अच्छा इंसान हुआ या बुरा? अगर वो हमें अलग करना चाहता तो मुझे इस तरह का गिफ्ट लाकर क्यों देता? अर्जुन, बेकार में उस पर शक करना बंद कर दो, वो मुझे पसंद करता है, बस हंसकर मुझसे दो बातें करना चाहता है और कुछ नहीं, सच कह रही हूँ मैं। रियली He's a very nice guy. Nice guy तो मैं पैदा ही हूँ। देखा इस बंदर को, चुप के बातें सुन रहा था। चुप। देखो बॉस, तुम्हारा थोपड़ा देखने से उसे खुशी मिलती है, इसलिए मैंने वो फोटो दी। अगर मेरे खूबसूरत चेहरे से उसे खुशी मिलती तो मैं अपनी देता। वैसे हम दोनों के थोपड़े तो बंदर जैसे ही है बॉस, लेकिन थोपड़े से ज्यादा जरूरी उसका प्यार। मस्त बोलता है ना। क्या बॉस, आप सिगरेट पीते हो? ये वातावरण के लिए नुकसानदेह है। अच्छी बॉडी बनाने के लिए वड़ा पाव खाओ, समोसा खाओ, तली हुई भजिया खाओ। बॉस, मुझे गीता पसंद है, गीता को आप, इसलिए मैं आपको जबरदस्ती पसंद करता हूँ, नहीं तो आपकी औकात ही क्या है? बॉस, मैं निकल तो आता हूँ। ओके नीचे। हे, उसने तेरी दो दो सिगरेट तोड़ दी, तुझे तेरी औकात दिखा दी, पूरे 19 रुपए का नुकसान कर दिया और तूने कुछ नहीं किया यार। मुझे पता है क्या करना।
लड़ाई झगड़े का अब कोई मतलब नहीं है, प्यार से बात को सुलझाओ। टेंडर के लिए अब एक ही हफ्ता बचा है। मणि जी, मुत्तू को बुलाओ, अब ये काम वही करेगा। अगर मुत्तू भी ये काम नहीं कर पाया तो देखते हैं आगे क्या करना है। जी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई। आओ अर्जुन, खाना खा लिया? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? क्या बात है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मणि। जी सर। मुत्थू को अभी बुलाओ। इसे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है, देख क्या करना है। टेंडर का मैटर भी सेटल कर दे। चाहिए, इसने तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड बैकअप में तैयार करके रखा था। गीता, तुझे मान गए यार, एक लड़के के साथ शादी कर ले और दूसरे को बॉयफ्रेंड बना के घुमा। वैसे दोनों बहुत क्यूट हैं, तुझे सल्यूट है यार। एक हफ्ते में दो वैरायटी। हाँ। हाय। खुद को समझते क्या हो? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। सब मेरी गलती है, शुरुआत में ही तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? जो मन करेगा करते रहोगे, सब तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करते रहेंगे। हर चीज की हद होती है और तुमने वो हद पार कर दी है। सारा कॉलेज मुझे ताने मार रहा है। नोटिस बोर्ड पर तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया। You are a bloody psycho. मुझे पाने के लिए कितना गिर गए तुम। जैसा तुम चाहते हो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, मेरे जीते जी तो नहीं। तुमने दोस्ती का गलत मतलब निकाला, दोस्ती शब्द को बदनाम कर दिया। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं सिर्फ अर्जुन को प्यार करती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ उसे, और मैं साबित करूंगी कि मेरा प्यार सच्चा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। I hate you. मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से।
रो मत, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। आज के बाद दोबारा मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। हॉस्पिटल कुट्टी, पता नहीं कौन है ये, पर इंटरेस्टिंग है। प्यार से मुझे जो दर्द मिला, इस हॉस्पिटल ने उस दर्द को ही ठीक कर दिया, इसलिए मुझे ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है। आई हेट दिस हॉस्पिटल। फिर कब मिलोगे? कभी नहीं। Hey, गीता, come on, let's dance. कृष्णा, टूर का बंदोबस्त कर। yeah! अर्जुन, रापची का आइडिया यार, दो उजड़े दिलों को करीब लाने का। इससे अच्छा प्लान कोई हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूँ तेरे को। हाँ, अगर तू मुझे कैश दे तो कश्मीर और कुल्लू मनाली की मैं जहाज की टिकट, मुझे ट्रेन में भी कोई एतराज नहीं होगा। तेरी गाड़ी आ गई भाई। हाय, डिस्को में तुमने अर्जुन को धक्का मारा था। शुक्र है बेचारे की हड्डी पसली नहीं टूटी। इसकी हरकत की वजह से ऐसा करना पड़ा। क्या क्या गलत हरकत की मैंने? तुम्हें किस करने की कोशिश की है? गलत है, तुम मेरी लवर हो ना, तो प्यार में तो ये सब चलता रहता है। पता है मुझे, तुम बदल गई हो, तुम्हें मुझसे प्यार व्यार नहीं है। देखा तुम लोग ने इसका नाटक? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो देख लेना, एक दिन टेरेस से कूद के जान दे दूंगा। अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और कैसी बातें करूं? हाँ, ए, ए, ए,
अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो देखना कुट्टी की बात सच हो जाएगी। और क्या? हमें तुम दोनों का इस तरह से लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही कहा, इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों टूर पर चले जाओ। क्या कहा? हाँ, दो प्यार करने वालों को पास लाने के लिए। क्योंकि जब दो मुरझाए हुए फूल मिलते हैं तो क्या बोलना चाहता है तू? जब फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, तभी तो दिल मिलते हैं। लेकिन अचानक क्यों? जो अचानक बनता है उसे ही टूर कहते हैं। मैं नहीं आऊंगा। कृष्णा, कोच को बुला। अरे उसे टूर पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है यार। ए, इस साल में रेस में हिस्सा नहीं लेने वाला, जाके बोल दे कोच को। अरे कोई रोको इसको, टूर कैंसिल हो जाएगा। अरे गीता, अब मेरी समझ में आया कि तुम नहीं चाहती कि अर्जुन चैंपियन बने। वो इस बार जीत गया तो स्टेट लेवल के लिए भागेगा। जाओ जाके उसे मनाओ। हाँ गीता, जा जा जाओ, हाथ पकड़ के मनाओ। जाओ अर्जुन। अर्जुन तुम रेस में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते? तुमने टूर के लिए मना जो किया, आखिर तुम इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ टूर पर आऊँ? ठीक है, तुम रेस में हिस्सा लो, अगर तुम जीत गए तो मैं जरूर आऊंगी। मेरा भाई मान गया। बहुत मजा आने वाला है, मेरा भाई चैंपियन बने। अच्छे से बैठे तो कहा था कि तू कभी गीता को नहीं देखेगा। अरे वो तो यार ऐसे मुंह से निकल गया था। ये बता, अब तू गीता से मिलेगा?
मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो क्या अब तुम गीता को भूल जाओगे? काश ऐसा होता। बेशरम, डोंट यू हैव एनी शेम और व्हाट? घर में चाची मामी नहीं है? फूल जैसी लड़की को आई लव यू कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मुझसे 500 कदम दूर रहना, समझे? क्या बॉस, वन वे ट्रैफिक है? अरे वन साइड लव करने में भी कम मेहनत नहीं लगती है? वन साइड बोले तो पूरी की पूरी दुकान अकेले संभालनी पड़ती है। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। प्यार करना मतलब किसी को अपना दिल दे देना। तेरे पास है इसलिए तूने दिया, उसके पास नहीं तो कहाँ से देगी? मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। देख मैं तुझे काम की बात बताता हूँ। आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ कम। पत्थर? नीतू, पत्थर फेंकते वक्त मैंने कुछ नहीं मांगा था। क्या कहा? सॉरी नीतू। पता है मैं तेरे लिए कितनी खुश थी यार। अगर शर्त रख के पत्थर फेंकता तो तेरा क्या जाता? खैर छोड़, अगली बार लेकिन जब भी पत्थर फेंकेगा ना तो पहले से ही सोच लेना कि तेरा और गीता का मिलन हो जाए, समझा? सुपर आइडिया यार, है ना? नेक्स्ट टाइम। इसे कहते हैं बिना सर मुंडाए ओले पड़ना। नहला दिया भाई। शुद्धि हो गई, शुद्धि। ये है हमारे कॉलेज के मिल्का कुट्टी, जो बियर में नहाए हुए हैं। इसका ये हाल किसने किया? ए, तूने क्या किया? तूने क्या? तुझे लगता है कि मैं गिराऊंगा? मुझे खुद पीने को नहीं मिलती, ये गिरी हुई हरकत इस टकले की है। मेरी नहीं है भाई। ए, बस अब मुंह को आराम दे, ठीक है? इसे बुरा लग रहा है यार। अब इसे बुरा लगा है तो धरती का बोझ और बढ़ जाएगा। लव चेकर, अगर पत्थर इसमें सीधा गिर गया तो प्यार मिल जाएगा। तेरी तो रेस में तू भले ही जीत गया पर प्यार में नहीं जीत पाएगा। तेरा ये प्यार है ना, एक तरफा ही रहेगा, समझा? अरे सर की बोलती आज बंद हो गई क्या? बोलिए ना गुट्टी सर। आप चुप रहेंगे तो सीन में इफेक्ट नहीं आएगा, पब्लिक का दिल बहलाओ। चलो बोलो कुछ। नहीं बॉस, आगे से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या बॉस, ऐसी सजा मत दो मुझे। आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। चलो चलो मुंह का ढक्कन खोलो। बॉस, गीता ने आपको कितनी बार आई लव यू कहा? कुल मिलाकर पूरे एक बार। मुझसे हजार बार आई हेट यू कह चुकी है, ज्यादा कौन सा है, एक या हजार? बॉस, गीता ने आपके लिए सिर्फ एक ही बार फील किया है, मेरे लिए हजार बार कर चुकी है। मतलब तुम्हारे लिए फीलिंग कम हुई और मेरे लिए फीलिंग ज्यादा है, समझे? ये हुई ना हीरो वाली बात। मुझे एक तांत्रिक बाबा ने कहा था मुफ्त की जितनी मिले उतनी पियो। सिर्फ एक गिलास उठाना टकले। अर्जुन तू भी लेना। हेलो अर्जुन, लगता है तेरे डैडी मस्त मूड में है। जाके गीता के बारे में विस्तार से बता दे। अगर पहले कुट्टी ने अपने बाप को बता दिया तो फिर तू टेरेस से भागेगा। आइए आइए, वेलकम वेलकम। वाह वाह, धन से भाग हमारे। हे, आप आए बाहर आई। मिनिस्टर बनने के बाद पेट बाहर आ गया है। सब ऊपर वाले की देन है। सब ठीक है ना अंकल? कैसी हो बेटी? या आई एम फाइन। पार्टी तो आपने शानदार रखी है, आज कुछ खास बात है क्या? अभी पता चल जाएगा। अच्छा, मणि सर के लिए एक टेबल लगाओ और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। जाओ बेटा जाओ। जानो गीता। उसने मुझे पूछा दो हाई कोर्ट है तो दो गवर्नर क्यों नहीं है। डैडी। हाँ हाँ अर्जुन। मेरे दोस्त हैं पायल अंकल जी।
और ये गीता है, ये मेरी तुम और गीता एक दूसरे को पसंद करते हो ना, और शादी भी करना चाहते हो, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? Keep it up. ये फ्रेंड्स, आज इस पार्टी में आने के लिए आपका शुक्रिया. आप सबको देखकर मुझे अच्छा लगा. मैं आपको एक बड़ी और अच्छी खबर देना चाहता हूँ. आज की पार्टी इसलिए रखी है कि अर्जुन की शादी का ऐलान कर सकूं. कितने खुश हो जा. वाह, कांग्रेस गीता, तुम्हारे बहुत अच्छे हैं. लड़की है बेहद सुंदर. सुशील और पढ़ी लिखी मेरे दोस्त की बेटी मिस मालिनी. गीता, अरे क्या हुआ? गीता, तू अब समझदार हो गई है. कुछ लोग कॉलेज सिर्फ अपना वक्त बिताने जाते हैं, लेकिन हमारा भविष्य पढ़ाई पर टिका है. कोई भी फैसला लेते वक्त लड़के ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन एक लड़की को ज्यादा सोचना पड़ता है. गीता, अगर लड़की कुछ गलत करे तो समाज ताने मारता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले तुझे ताने दें. मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया. गीता, मेरी खुशियां तुझसे है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती. कोई गलत फैसला मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा. मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है डैडी. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जबान दे चुका हूं और इससे मुझे फायदा होगा. अभी एमपी हूं, आगे जाके कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा. पर मैंने मालिनी को देखा है, वो अच्छी लड़की नहीं है डैडी. फर्क नहीं पड़ता. ये नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं करूंगा. मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया. दवाई लेके आओ, बैंडेज लेके आओ, लाओ. ये मत सोचना कि तुम्हारे खून बहाने से मैं मान जाऊंगा. मेरा फैसला अटल है, समझे? दीदी, आप प्लीज उदास मत हो. मेरे कुट्टी भैया है ना, वो आपको कभी भी उदास नहीं होने देंगे. कुट्टी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बस एक बार. ए, तू चुप कर. ए, तू चुप कर. अगर आप हाँ कहें तो हम अभी शादी करवा दें. पर एंगेजमेंट? वो शादी के बाद. ओके ओके. चुप, तुम सब अपनी बकवास बंद करोगे? यहाँ देखो, यहाँ सब टूटा फूटा पड़ा है. ओहो, ये कैसे हुआ? हो गया, पता ही नहीं चला. अर्जुन के पापा ने गुंडे भेजे थे, उन्होंने तोड़फोड़ की और गीता से बदतमीजी भी. ये सब देखकर बहुत सुकून मिल रहा होगा ना? तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ. मुझे इस तरह से दुखी देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? एक मिनट, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता. मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ. Yeah.
ये बता अर्जुन कुटे गाड़ी रोक। मैंने कहा गाड़ी रोक। ओके। चल अब गाड़ी चला। ये क्या करते आज का कल क्या बोलो हमारे पीछे थे नो बॉस 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 उनके आने का इंतजार करना था क्या अरे हम वहां रुकते तो पक्का उनके हाथ लग जाते हट क्या बॉस टेंशन हो रहा है क्या अरे बॉस हम दोनों तो एथलेटिक चैंपियंस हैं ये सब तो हमारे लिए वार्म अप करने जैसा है उस दिन कॉलेज के रेस में मुझे धक्का दिलवाया था ना तुमने लेकिन मैं फिर से उठ के भागा था ना तुम सुधर नहीं सकते ना हमें टॉर्चर किए बिना तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा हमारे लिए सिरदर्द बन गए हो तुम लोगों को टेंशन में देख के मजा आता है ना तुम्हें आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम तुम्हारी इस हरकत से लग रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबाकर बेहोश करके तुम्हारा खून पी जाऊं आखिर तुम कब पीछे छोड़ोगे करो बड़ा 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 गरम बड़ा 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 एक बड़ा खाएगा क्या बड़ा बड़ा बॉस गीता को भूख लगी होगी चलो उसे खिला दो तू मेरे को मत से चल जा वो खुद खा लेगी ये क्या बात हुई गीता को भूख लगी है और तुम यहाँ पे खड़े खड़े भूख रहे हो तुम लवर हो या टफर हो तुम नहीं जाते कोई बात नहीं मैं जाके खिला देता हूँ व्हाट खिला दे मुझे व्हाई हे ना मैं खुद दूंगा रहने दो मैं उसे खाना खिलाता हूँ तुम फेफड़ों को खिलाओ अरे उसे भूख लगी होगी मैं खिलाऊंगा अरे यार तो पहले मैं क्या बंगाली में बोल रहा था तुम भी ना यार ये लो पकड़ो देखे आओ जाओ गीता तुमने कुछ खाया नहीं है खा लो लो भूख लगी होगी नहीं खाना है क्या नहीं सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया चलो खाओ इसे मैंने उसे खाने से मना कर दिया तो उसने तुम्हें काम पे लगा दिया
क्या बॉस, तुमको भी ना बोल दिया? बाथरूम के पास वाली सीट पे जाके बैठ गया। चल सर। सर नहीं, पंच मास्टर बोल बे। सीट चाहिए। बिना सीट के पैदा हुआ क्या? इनको तो दी ना। ये लोग अपनी सीट साथ लाए। पंच समझ में आया? अगर किसी ने मेरे दिमाग की बत्ती फ्यूज की तो मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन से स्टीम इंजन बन जाऊंगा। बैठ जाओ अभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट सो जेंटल और मेंटल मैन, सब कान के पर्दे फाड़ के सुनो। बिना टिकट के ट्रैवल करना चलेगा, बस पंच लाइन होना जरूरी है। पंच नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो पंच सही। मुझे भूल गए क्या? चलो कोई बात नहीं। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पास इस सफर की टिकट है, उसके पास सफर की टिकट तो है। तुम्हारे पास है कि नहीं? टिकट है सर, बोर हो रहा था इसीलिए हंस दिया। बोरिंग तो हंसिंग नया पंच है। चलो टिकट दिखाओ। उड़ जा रहे पंछी। अरे क्या किया? टिकट क्यों फेंक दिया सर? अरे अबे कबूतर, टिकट उड़ गई, अगले स्टेशन पे तू भी फुर्र हो जाना। नया पंच है, मजा आया। बॉस बिस्किट नहीं चाहिए? बिस्किट। नाम बताइए। कावेरी। कावेरी, गांव का नाम? वो भी कावेरी। कावेरी प्लस कावेरी मतलब तू कावेरी। वाह गुड पंच। सफर ही सफर में सफरिंग। टिकट नहीं, टिकट दिखाओ सर। हाँ? मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो थोड़ी देर पहले मिले थे। याद नहीं? मैंने आपको पंच पे पंच मारा था, वही तो हूँ मैं। पंच मास्टर की पंच पे पंच मारा? हाँ, अभी बताता हूँ। नाम बताओ। पुट्टी सर। पुट्टी मतलब? ये मेरा नाम है सर। पंच मारने के अलावा क्या करते हो? प्यार करता हूँ सर। वन मोर पंच। ये लड़की कौन है? मैं इसका आशिक हूँ। तो फिर ये कौन है? ये इसका आशिक है। बना दो बीमार। चाय 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 चाय, कॉफी 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 कॉफी, मैडम मैडम, चाय चाय चाय, कॉफी कॉफी कॉफी, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय, देसी चाय, कॉफी कॉफी कॉफी, चाय। यहाँ भी आ गए बॉस। ए, चल फोड़ना। अरे बॉस मैं सच कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ भी आ गए हैं। देख मेरे दिमाग का दही मत कर, अब चुपचाप वटक यहाँ से। जल्दी ढूंढो।
निर्धारित समय से 18 घंटे देरी से चल रही। अंदर आ जाओ। क्या सोच रहे हैं? यही कि तुझे तेरा प्यार मिल गया? नहीं नहीं बॉस, तुम्हारा प्यार कामयाब हो जाए इसलिए मैंने फेंका। तुम्हारे प्यार में अभी भी मुझे थोड़ा झोल लगता है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं क्या? तुम घर छोड़ के इसलिए भागे कि तुम्हें गीता से प्यार है या फिर इसलिए कि तुम्हें मालिनी पसंद नहीं है? बस बस, ज्यादा समझ में आ रही है तेरे? बटन टूट जाएगा। अच्छा ठीक है बॉस, मैं भी पकड़ता हूं। रुको क्या मानना, मैं जानता हूँ मदद करने के पीछे तेरा इरादा क्या है। तू मुझे जान से मारना चाहता है ना? बस कर, मदद का नाटक अब बस कर। यह हम दोनों का मामला है, हम सब संभाल लेंगे। प्लीज अब तुम जा सकते हो। थैंक्स गीता, तुम्हें इसके साथ रहना या मेरे साथ, फैसला तुम्हारे हाथ में। बाप चाहता है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसलिए तू जा यहां से। ए वो तो इसे छोड़ो, जा। अर्जुन निकल। ए वो तू अर्जुन जी को धमका रहा है। चल जा, बोला ना जा। अर्जुन Thank you.
डर जाएगी। हाँ
गीता, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन! 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 गीता, क्या हुआ गीता? अच्छा, इसलिए उदास हो कि अर्जुन तुम्हें छोड़ के चला गया? तो उदास मत हो, ये देखो मुझे उसकी लिखी हुई चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि वो शहर अपने घर गया है पापा को मनाने के लिए, और वो मना के वापस आ जाएगा। चाहो तो तुम खुद पढ़ लो। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मेरी प्यारी और सुंदर गीता, बिना बताए जाने के लिए सॉरी, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बेचारा तुमसे कितना प्यार करता है। आपको होशियार समझते हो? हाँ? एक तो वो बेचारी बीमार है, सो रही है, इसलिए तो मैं सारी रात जगकर उसका ख्याल रख रहा हूँ। लेकिन तुमने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी जुर्रत? हाँ? मैं तुम्हें सिर्फ गीता की वजह से छोड़ रहा हूँ। अगर वो नहीं होती ना, तो अब तक तुम्हें पैर के नीचे ऐसे मसल चुका होता, समझ गए? नॉनसेंस! अरे मेहमान के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? तुमसे बेहतर तो वो अर्जुन है। अबे गीता कितनी अच्छी है पता है? जब वो अर्जुन ऊपर से कूद के जान देने की धमकी दे रहा था, तो गीता ने बोल दिया आई लव यू। तुझे ये सब मैं किस लिए बता रहा हूँ पता है? Because I am so expressive. ए, रुक जा। चमारी खिसक रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और तू कल्टी खा रहा है। माँ बाप ने इतना सा भी मैनेज नहीं सिखाया। सारे फसाद की जड़ तू है मकोड़े।
बदल गई ना? क्या आजकल ना ही तुम मुझ पर भड़कती हो और ना ही आज सुबह से मुझ पर चिल्लाई, इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मान जाओ ना, तुम बदल गई हो। मैं नहीं बदली हूँ, नहीं बदली हूँ, नहीं। तो तुम बोल रही हो नहीं बदली हो। ओके, एक टेस्ट लेके देखें। कैसा टेस्ट? 5 मिनट के लिए हम अपना कैरेक्टर बदल लेते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब तुम कुट्टी बन जाओ और मैं गीता। ओके, गुड आइडिया, मजा आएगा। अच्छा आइडिया है ना? ओके, स्टार्ट। ट्रिंग ट्रिंग, आई लव यू। हेलो, आई लव यू। But I hate you. I hate such personalities. पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते हो तो अपने दिल में रखो ना, मुझे बताने की क्या जरूरत है? You know something? I'm very expressive. मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि बता भी नहीं सकता। मुझे तुमसे सख्त नफरत है। I love you. Hey, तुम सुधरोगे नहीं ना? एक बार बोला तो समझ में नहीं आया? पागल हो क्या? क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हो? हाँ? तुम्हारे लिए मेरे मन में एक ही फीलिंग है। I hate you, I hate you, I hate you. त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकुमिवे वंदना मृत्युमुक्षी मामृतात्। गीता, ये बहुत भोला है बेटा। जाने से पहले इसकी माँ इसके लिए क्या छोड़ गई है पता नहीं, लेकिन भली भांति जानता हूँ कि इसके लिए ढेर सारा प्यार छोड़ गई है। ये दिल का राजा है राजा। आज तक मैंने इस पूरी दुनिया में एक ऐसा दयालु इंसान नहीं देखा। इसने आज तक अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सोचा है तो बस दूसरों के बारे में। ये बच्चा सिर्फ देना जानता है, बदले में कुछ लेना नहीं जानता। मुझे लगता है ईश्वर ने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है बेटी। इसका साथ दोगी तो मुझे बहुत तसल्ली होगी। सदा सुखी रहो। हाँ गीता, क्या मांगा भगवान से तुमने? कि अर्जुन जल्दी वापस आ जाए? दो तीन दिनों में नहीं, लेटर में तो लिखा है कि एक हफ्ता। वो लेटर तुमने लिखा था ना? माँ कसम, पकड़ा गया। रुक जाओ कुट्टी, प्लीज बताओ तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? तुम चाहते क्या हो मुझे बताओ? पागलों की तरह मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? वैसे तो इतनी बकबक करते रहते हो, आज मुझे सच सच बताओ, मुझसे इतना प्यार करने की वजह क्या है? हमेशा पूछते हो मेरा प्यार फील हुआ या नहीं, फील हुआ या नहीं। आज मुझे सच में तुम्हारा प्यार फील हुआ है। आज मैंने सच्चे प्यार की ताकत को जाना। तुमने मुझे प्यार का एहसास दिलाया। मैंने तुम्हारे प्यार को बहुत देर से जाना। काश मैं तुम्हारे प्यार को पहले ही समझ पाती। मैंने तुम्हें प्यार के बदले सिर्फ नफरत दी। अब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है गुट्टी।
जानता हूँ कि तुम दोनों मुझसे नाराज हो और जायज भी है। अब तक मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था। मैं जिस लड़की पर उंगली रखता वो मुझे आसानी से मिल जाती थी। मेरे लिए प्यार का मतलब वही था। मेरी जिद थी कि गीता तुम्हें ना मिले, इसलिए मैं उस पर हक जमाता था। लेकिन अब प्यार के सही मायने पता चले हैं मुझे, वो भी तुम्हारी वजह से। हमारी जान को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तुम्हें पता था कि गीता तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुमने उसके लिए इतना कुछ किया। ये सब देखकर ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने गीता के लिए कुछ नहीं किया, पर अब करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने पापा को रो रो कर मनाया ताकि गीता को अपने साथ राजकुमारियों की तरह ले जा सकूं। इसीलिए उस दिन बिना बताए चला गया था। गीता बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। माँ बाप अक्सर प्यार के खिलाफ ही होते हैं, दोनों के बीच दीवार बन जाते हैं। वो दीवार इसलिए नहीं बनते कि उन्हें अपने औलाद से नफरत होती है, बल्कि वो अपने औलाद का हमेशा भला ही चाहते हैं। अर्जुन के दिल में तुम्हारे लिए मैंने बहुत प्यार देखा। अर्जुन मेरी जान है और तुम उसकी जान हो, इसलिए तुम्हें मनाने यहां आ गया हूं। मुझे निराश मत करना, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम दोनों की शादी करा के रहूंगा। कुट्टी, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। अर्जुन तुम पे इतना भरोसा करता है कि वो गीता को तुम्हारे भरोसे छोड़कर मेरे पास चला आया। आज इन दोनों के शादी की वजह तुम हो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस शादी में तुम जरूर आना और शादी की सारी जिम्मेदारियां उठाना। चले बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। हे अर्जुन। अरे गीता, अब तो तुम खुश हो ना? चलिए सर, चलते हैं। शादी है, एक भी ढंग की आइटम नहीं है। सबकी शक्लें ऐसी लग रही हैं जैसे हॉरर शो देख के आए। वो कोने वाली अच्छी लग रही है। ए, तू इकड़े टहलने आया क्या? देख क्या रहा है? ये ले, इसे वहां रख दे। अबे चल पकड़, बहुत काम है मुझे। अबे ये क्या, ये वर के घर वालों की तरफ से है क्या? ओम देवलक्ष्मी नमः, त्रयम् भगम् यजामहे सुगन्धिम् बुट्टिम्। जरा नमक देना। अंकल, हाँ? फोन है। ए, श्रुति, तू इकड़े क्या करती है? जाओ गीता को तैयार करके नीचे लाओ, जाओ। ए, रो कुट्टी, कम से कम अब तो रो। तुम्हें मैं रोता देखना चाहती हूँ। सब कुछ खत्म होने वाला है, अब तू ही नाटक बंद करो।
चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट रखकर ये मत बताओ जैसे तुम बहुत खुश हो। गीता, मुझे तुमसे बात करनी है। चल यहाँ से चलते हैं। हाँ, चल चल। आज मैं समझ पाया कि प्यार का मतलब क्या होता है। पहली बार मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं पूछूं। गीता, हम दोनों ने एक साथ इतना वक्त गुजारा तो कभी मैं कभी वो फील हुआ जो मुझे फील होता है या कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो तुम जवाब मत देना। तुम्हें लगता था मैं सब हंसते हंसते सह लूंगा, मैं भी तो इंसान ही हूं ना गीता, मुझे भी दर्द होता है। मैं तुझसे कितना प्यार, सच मान गई क्या? पागल है, देखो ये बिल्कुल पागल है। इसकी शक्ल तो देखो। ओ नो, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। Happy married life, Didi.
है दीदी, जब आप कन्याकुमारी गए थे तब ये गुम हो गई थी, याद नहीं है आपको? जयंती। हाँ आंटी। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से गीता को ले आओ। ओके आंटी, चल जल्दी। बिना नहीं रह सकती।